गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं गार्डन में नहीं रह के रूम के अंदर क्या कर रहा हूं, तो रूम के अंदर मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूं वो है आपकी सिकरकंदी। ये सिकरकंद जो है हम लोग सब्जी में घर में यूज करते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है इपोमिया बटाटस। ये एक साउथ अमेरिकन प्लांट है जो कि पेरू में इसका इजाद हुआ, पेरू में इसका बना ये पेरू में, और उसके साथ ये यूरोप होके दुनिया भर में ये फैला। इसका फैमिली का नाम है कॉनवोल्वुलेसी फैमिली का प्लांट है। ये हम लोग कैसे तो आलू की तरह यूज करते हैं, लेकिन ये एक रूट ट्यूबर है। इसके साथ मैं आलू का फर्क बताऊं, ये है आलू, इसका नाम है सोला नाम ट्यूबरसम, हम लोग आलू के तौर पर यूज करते हैं। और आलू और इसके अंदर में ये है स्टेम ट्यूबर है, ये आलू जो है स्टेम ट्यूबर है और ये जो है रूट ट्यूबर है। तो ये रूट से बना होता है, ये स्टेम से बना होता है। और आलू के बीच में देखिए थोड़े से जैसे आंख टाइप की होती है, आई टाइप की, जहां से इसके पर्ची निकलती है। इस पर्ची से फिर पौधे होते हैं और इसकी भी पर्ची निकलती है। तो ये जून का महीना है, तो जून में मेरे जो सब्जी की डाली थी घर में, तो वहां पर देखा है ऐसी जो सकरकंदी है उसमें से ये पर्ची निकल आई है। तो मैंने सोचा इसका क्या किया जाए, तो आप बहुत अच्छा इसका उपयोग कर सकते हैं कि इसकी जब पर्ची थोड़ी थोड़ी निकलने लग जाए तो आप इसको इंडोर डेकोरेशन प्लांट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा, ये जब खिलेगा बड़ा होगा, इसके पत्ते बाहर निकलेंगे, पर्पल कलर के पत्ते होंगे, बहुत सुंदर खिलेगा। और ये आपका कम से कम आपके घर में 3 महीने रहेगा, इसकी ये इतने लंबा हो जाएंगे, 6 इंच पौधे हो जाएंगे और इसके अंदर ही। तो इसको आप कैसे यूज करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। तो ये जो होते हैं, ये होते हैं गर्मी में, मतलब जून जुलाई में इसकी पर्ची निकलती है, इसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं स्लिप्स। ये स्लिप्स निकलती है जून जुलाई महीने में। और जो आलू होते हैं ये सोलानम ट्यूबरसम, आलू की निकलती है सर्दियों में, मतलब कि नवंबर दिसंबर निकलती है। तो ये सर्दियों का फसल है, ये गर्मियों का फसल है, इसको गर्मी चाहिए, इसको दिन भर धूप हो जैसी जगह में और रात को भी गर्मी हो ऐसी जगह पर ये मिट्टी में ये फलते हैं, बहुत अच्छे फलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको स्लिप को आप कैसे यूज करें और आपके पास कोई डेकोरेशन प्लांट है तो कैसे बनाए, तो मैं आपको तकनीक सिखाता हूँ बहुत जल्दी। तो मैं पहले दिखाता हूँ ये कहाँ, ये है आपका जहां पर ये सकरकंद की पैदा हुई, ऑरिजिन हुआ ये है इस एरिया साउथ अमेरिका में, ये जो पेरू का रीजन है यहाँ पर पैदा हुआ, ये यहाँ से आया धीरे 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 चल के यहाँ पर से आके ये यूरोप में पहुंचा, यूरोप में से फिर पोर्तुगीज लोग हमारे इंडिया में इसको लेके आए, यहाँ पर इंडिया में पहुंचा। ये दुनिया भर में आजकल इसकी खेतीबाड़ी होती है बहुत अच्छी, और इसकी प्रोडक्शन में जो होती है विशेषकर यूरोप में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है इसकी, और हमारे इंडिया में भी होते हैं, चाइना में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है। तो बहुत दुनिया भर के लोगों का, कुछ कुछ देशों का तो ये स्टेपल फूड है, रशियन कुछ कंट्रीज के तो ये जो सकरकंद है ये उसका स्टेपल फूड, हम लोग जैसे चावल और गेहूं खाते हैं स्टेपल फूड के हिसाब से, रशियन कुछ कंट्रीज में ये स्टेपल फूड के हिसाब से ये खाते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको कितना सुंदर कैसे बनता है ये आपका, क्या करेंगे, मानिए कि आपने लिया एक तो ऐसी कोई बोतल है आपके पास, खाली पड़ी बोतल है, ये जो खाली बोतल आपकी यूजलेस जो बोतल है इसको आप काट लीजिए। कैसे काट ले, पहले इतनी से काट ले यहाँ पर से, ये जो गले की पोर्शन है यहाँ से इसको काट लीजिए, इसको काट लिया, काट लो, इसको आपने काट लिया है अच्छी तरह से, और इसको आप फिर इसका ढक्कन जो है इसका खोल लीजिए। आप ढक्कन खोलने के बाद इसमें आप पानी डाल दीजिए, बिल्कुल पानी डाल दे, पानी डाल दिए इसमें, और पानी डालने के बाद आप इसको लगा दें इसमें, इसे लगाने के बाद आप इसको ऐसे लगा दें जैसे ये जो पर्ची निकली है इसके ऊपर ऐसे लगा दें। ध्यान रहे ये बहुत अच्छा रहेगा आपका, ये बन गया आपका पॉट। इसमें आप 7 दिन बाद इसका पानी चेंज कर दीजिए हमेशा, ये आपका रह गया पॉट। मैं आपको दिखाता हूं, 7 दिन पहले मैंने एक तो इसका बनाया था, ये जो हुआ है ये देखिए पौधा बन गया मेरे, 7 दिन पहले ये बनाया मैंने। तो ये आप रख दें जंगले के पास, ये रख दें और इसके पत्ते खिलेंगे पर्पल कलर के, बहुत अच्छे ये दिखाई देगा, पूरा ये पौधा बढ़ जाएगा इतना बड़ा, 6 इंच बड़ा। और अगर चाहे आप स्लिप को तोड़ के एक पानी में रख सकते हैं, उसका पौधा बनेगा, उसका रूटिंग होगी, उसमें से रूट निकलेंगे। तो मैं दिखाता हूं आपको क्लोज से इसकी रूट कैसे निकली है, देखिए ये मैं आपको रूट दिखाता हूं, ये मैंने 7 दिन पहले लगाई थी, ये इसकी रूट निकली है यहां पर से, ये जो रूट है ये इसके रूट निकली है यहां से,
ये रूट निकलने के बाद इसको आप चाहे तो एक एक को तोड़ के आप अलग से रख दें, रखने के बाद पानी में रख दें, 5-6 दिन में इसको रूटिंग हो जाएगी, तो फिर आप इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। तो ये आपको मैं दिखा, तो ये तो मैंने दिखाया आपको। और अगर आप चाहें तो इसको कोई पानी का ग्लास में अगर लगाना चाहें आप, तो ऐसे कर सकते हैं आप, छोटा सा पानी का ग्लास है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये टूथपिक है, ये जो टूथपिक है, ये टूथपिक लीजिए, एक तो 3 टूथपिक लीजिए, और टूथपिक लगाने के बाद करीब 1 इंच ऊपर या 1.5 इंच ऊपर आपको 3 टूथपिक लगाइए। और ये 3 टूथपिक लगाने के बाद, समान रूप में लगाने के बाद आप इस ग्लास में डाल दीजिए, ये बिल्कुल आपका रहेगा बहुत अच्छा। और अगर आपके पास टूथपिक भी नहीं है तो ये जो आपको जो धूपबत्ती का जो एंड पोर्शन है, धूपबत्ती जलने के बाद जो रह जाता है, इसको आप रखिए। आपका जो पोर्शन है ये एक ट्राइपॉड बना लें, इसका इसके धूपबत्ती के जो एंड पोर्शन है उसमें से इसको डाल दें, डाल के आप इसको एक ट्राइपॉड बना लें और इसके अंदर डाल दें। तो आपको ध्यान रखें कि इसमें कम से कम 1 से 1.5 इंच पानी इसमें डूबा रहना चाहिए, तब इसमें से आप 7 दिन रखने के बाद देखेंगे इसके अंदर से आपके पर्ची निकल आए काफी सारे, और उसको आप रख दें। और रखने के बाद आप बिल्कुल हर 7 दिन के बाद बाद आप पानी चेंज कर दें, तो पानी चेंज करने से क्या होगा, इसमें जो गंदगी है वो नहीं रहेगी और पौधे भी अच्छे बन गए। और ऐसे पानी में आपको कुछ भी विटामिन या खाना या खाद कुछ नहीं देना है, कम से कम ये 2 महीना ऐसे आराम से रहेंगे, जब पौधे 6 इंच या 10 इंच के हो जाएं, तब आप बाहर जाके उसके जो पर्चियां हैं उसको आप, जिसमें से रूट निकल आए हैं उसको आप मिट्टी में बो दें, बहुत अच्छा रहेगा। आपको मैं मिट्टी में भी दिखाता हूँ कैसे होते हैं, या फिर आप हैंगिंग पॉट के हिसाब से यूज कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ हैंगिंग पॉट्स कैसे दिखेंगे आपके। चलिए मैं दिखाता हूँ, पहले इसको देखते हैं, ये धूप में रखिएगा, मैं चल के दिखाता हूँ। इसको थोड़ी सी हल्की सी धूप इसको पसंद है, तो आप जंगले में रखें, तो इसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, इसको लेकर रखिए आप, लेकर रख के आप इसको धूप में लगाएं, तो जहां से जंगले में धूप आए वहां पर रख दें ताकि इसमें से धूप आती रहे। तो आपके करीब ये 1 महीना में तैयार हो जाएगा, और 2 महीना आप बिल्कुल इसको घर के इंडोर डेकोरेशन प्लांट के हिसाब से रख सकेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके बोतल, आपके पास अच्छी बोतल है कोई खास, अगर आप चाहे तो सुंदर कोई बोतल है, खराब हो गई तो आप इसको भी काट लें, काटने के बाद इसको भी सेम करें ताकि इसको काट लें, बिल्कुल काटने के बाद इसमें भी आप पानी भर लें, पानी भर लें, और इस बोतल को ढक्कन को उल्टा तरफ लगा लें। उल्टा तरफ लगाने के बाद ये जो आपने पौधा लगाया है इसको आप इसमें डाल दें, ये और भी सुंदर दिखेगा आपका, ये एक आपका सुंदर फ्लावर भास बन जाएगा और आप बहुत अच्छा दिखेगा ये। तो ऐसे भी आप रख सकते हैं धूप के अंदर। अगर आप जो स्वीट पोटैटो है, जो शकरकंद है, उसको आप चाहे तो आप मिट्टी जो अगर हैंगिंग पॉट्स में लगा दें, हैंगिंग बास्केट में, तो करीब करीब इस तरह का दिखेगा। ये भी एक इपोमिया की वैरायटी है, तो एक इस तरह का दिखेगा आपका, बहुत अच्छा लगेगा। और एक स्वीट पोटैटो है जो कि आपको दिखने में, तो मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी स्पीसीज में आपको ये लगेगा, ये वाला ग्रीन की वैरायटी, ये भी इस तरह का दिख सकता है। तो आपको मैं ये भी दिखाता हूँ, इस तरह का दिखेगा। अगर आप हैंगिंग बास्केट बनाना चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो आप ऐसा बात कर। चलिए मैं मैदान में दिखाता हूँ कैसे आप इसको लगाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसको आपके जमीन में लगाना चाहते हैं, तो आप ये जो पर्ची आपकी निकली है जिसको आप स्लिप्स कहते हैं, तो इस स्लिप्स को आप तोड़ के पानी में डाल लें, ये देखिए रूट समेत पानी में, ये पानी में डाल लें, रखते हैं, ये तो रूट समेत है, इसको आप सीधे मिट्टी में बो सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मिट्टी में बोते हैं इसको, और इसको आप लगा लें, ये लगा लें, मिट्टी खोद लें, थोड़ी मिट्टी खोद के स्लिप को आप लगा दें पौधे में, लगा दें, इसको आप लगा दें पौधे को, और थोड़ा पानी डाल दें इसको, तो ये आपका स्लिप लग जाएगा इसमें पौधे में। तो आप 1-1 फुट की दूरी में ये लगा दें, और ध्यान रखें ये रेंगते हुए जाएंगे पौधे, ये बिल्कुल रेंगते हुए जाएंगे, क्योंकि इसके रूट्स के अंदर से ये ट्यूबर बनेंगे, तो ये आप मचान नहीं बनाए इसके, क्योंकि ये करेले की तरह है या खीरा की तरह है जो मैंने पहले दिखाया था, तो ऐसे नहीं बनाए, ये सीधे रेंगते हुए जाएंगे। तो आपको खाली जमीन चाहिए, और कम से कम 1 फुट की दूरी में 1-1 पौधा लगना चाहिए, ये रेंगते हुए आपका जाएंगे, देखने में भी अच्छे रहेंगे, ये ग्राउंड कवर के हिसाब से भी काफी अच्छा रहेगा ये आपका। और इसके लिए कोई मचान नहीं बनाए, आपकी जितनी जमीन खाली रहेगी उतना अच्छा आपका ये पौधा बनेगा, और उतनी ज्यादा आपके रूट्स में उतने सारे ट्यूबर्स यानी कि शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो आपके बनेंगे। तो ये पौधे जब सूख जाए बिल्कुल,
छह महीने बाद बिल्कुल जब छह महीना नहीं करीब नौ महीने लग जाएंगे बिल्कुल सूख जाए पौधे, तो उसके नीचे से आप ट्यूबर निकाल सकते हैं आपके स्विच पर रखकर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपका मेरा पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों लोगों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसा ऐसा वीडियो और भी अच्छा अच्छा बनाऊंगा और आपको शेयर करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन बहुत अच्छा हो और इंशाल्लाह आपका दिन अच्छा हो, आपके अच्छे गुजरे, बहुत अच्छा, धन्यवाद।